हमारा एक बिल्कुल फैमिली का किरदार है और एक घर की जो व्यवस्थाएं होती है किरदार के बारे में भी ज्यादा मैं हम कभी नहीं बोलता हूँ ना ही क्यों किरदार जब कभी कभी किरदार के बारे में बोलते हो तो स्टोरी कहानी बाहर आ जाती है, कहानी के बारे में बोलते हो तो किरदार बाहर आते हैं। और मैं हमेशा समझता हूँ फिल्म जो है शोइंग मीडियम है तो उसमें मेरा किरदार क्या है तो मैंने निभाया, फिर मैं बताऊँ मेरा किरदार ये है तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों ने निभाया है आपको देख के पता करें कि कैसा किरदार है तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। और ये अमित कमाल है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, विराट से मिलता जुलता है, तो खेल सिनेमा और पॉलिटिक्स तीनों चीज़ों का ये थ्री डायमेंशनल मिक्सर है। जितना भी है आप फिरोज शाह से लेके बापन निकल से भगवान दास रोड तक ये अपनी आईटीओ तक दुनिया हुआ करती थी बंगाली मार्केट तक। तो आप 94 to 97 हमारा दिल्ली में रहना हुआ मंडी हाउस में और 97 से जो कुछ भी आज कमाया है तो थैंक्स टू मुंबई जो कर्म भूमि जिसने सातों समंदर को कर्म भूमि के रूप में बदल दिया। लेकिन कर्म भूमि में पैर टिकाने के लिए जो आत्मविश्वास देने वाली भूमि है वो ये दिल्ली भूमि है। पहली बात तो एक चीज की अर्थ जैसी फिल्मों का करना, हम लोग जब यहाँ दिल्ली में पढ़ते थे जैसा वो बड़ी बहन ने पूछा कि तो हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि टाइप कास्ट से टकराना है लेकिन ये हुलिया तो चेंज नहीं किया जा सकता है। हाइट पर्सनालिटी सबकी जिसकी जो है वो एक ही बार बनती है और जिसमें उसका कोई बस नहीं होता है। तो हम लोग जब दिल्ली में यहाँ पर इंस्टीट्यूट में थे तो हमेशा कि ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर एक कॉमेडी कर रहा है तो जिंदगी भर कॉमेडी कर रहा है, एक विलन बन रहा है तो जिंदगी भर विलन, जैसा जो अभी अपनी डिजिटल वर्ल्ड से जस्ट पहले, वो ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 10-15 साल पहले की बात है। हम लोग जब ये क्रिटिसाइज किया करते थे कि एक्टर टाइप कास्ट कैसे हो जाता है तो आई थिंक पिछले 20 साल से मेरी अभिनय को लेकर जितनी फाइटिंग है उससे 10 गुनी फाइटिंग है ये टाइप कास्ट को फिनिश करने के लिए। एक अभिनेता होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उससे अगर आप अगर अभिनेता वो है तो उससे जो भी काम कराओगे वो कर सकता है। कॉमेडी करवाओगे तो कॉमेडी होगी, ट्रेजिडी करवाओगे तो ट्रेजिडी होगी, विलेनिश कैरेक्टर कराओगे तो विलेनिश कैरेक्टर होगा। आई थिंक ये टोटल डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन पे जो है डिपेंड करता है कि डायरेक्टर किसी एक्टर को किस साचे में ढालना चाहता है अपनी स्टोरी के मुताबिक। हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो इंस्टीट्यूट लोग हैं तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कभी जैसे आप एक तरफ हंगामा रिलीज हुआ, एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, एक तरफ मैं चुप चुप के रिलीज हो रही तो दूसरी तरफ मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज हो रही। और थैंक गॉड कि आज 20-22 साल बाद लगभग रिलीज और रिलीज मिला के छोटी बड़ी निगेटिव पॉजिटिव कॉमिक सब मिला के लगभग 200 के आसपास फिल्में करने के बाद और अगर भूल भुलैया 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ अर्ध रिलीज हो रही है, तो आई थिंक हम लोग एंटरटेनमेंट के पुजारी हैं, हम एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं। लेकिन एक चूंकि सिनेमा रियल नहीं है, रील है, हमेशा हम बोलते हैं वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो हम जो रियलिटी का इल्यूजन रील के माध्यम से पेश करते हैं तो उसमें जितने किरदार होने चाहिए उतनी ही अलग अलग मानसिकताएं होनी चाहिए। एक जैसा आदमी जी नहीं सकता, एक जैसा आदमी चल नहीं सकता, तो फिर किरदार एक जैसे क्यों जी सकता है। तो मेरी भी जो आपका क्वेश्चन है एक्चुअली मेरी यही फाइटिंग है, ये मेरा संघर्ष है कि मुझे जब भी करने का मौका मिले, हंसाने वाले कैरेक्टर करने का मौका मिला या रुलाने वाले, लेकिन उनकी मानसिकता एक किरदार से दूसरी किरदार की अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे ना जंगल आपको दोबारा देखने को मिली होगी, ना चुप चुप के दोबारा देखने को मिली, ना भूल भुलैया का छोटा पंडित और नया पंडित दोनों एक जैसे कैरिकेचर मिनिएचर रोल,
लेकिन उनमें भी कोशिश की मानसिकता, उसमें बेटी पुष्पा थी तो इसमें पार्टी चल रही पार्टी। तो ये अब कोई भी मालामाल बीक ली एक नहीं, वक्त अगर वक्त हमें एक, जब हमारा एक कैरेक्टर हिट होता था तो आप विश्वास करिए कि हमें दूसरा कैरेक्टर कौन सा चुनना होता हो वो हमारे लिए होमवर्क होता था। जो एक कैरेक्टर हिट हुआ तो इधर से एक जैसे रोल हमारे वो बस वैसे वैसे चुप चुप के वाला वैसे वैसे बांधिया है तो हम कहते भोई चिपका ले जाके, मुझसे मत करवा दोबारा बांधिया मुझसे नहीं हो सकता। तो ये एक पेन भी है, सजा भी है, लेकिन ये मजा भी है। और दूसरी चीज ये सब मैच ऑफ लाइफ में आप हमारा कैरेक्टर देखेंगे, एक डिफरेंट मानसिकता का है, एक बहुत अपने यहाँ उत्तर भारत चिविल्ला बोलते हैं ना, बहुत चिविल्ला क्या बोलते हैं वो, बहुत फनी होता है लेकिन चुलबुला, लेकिन सबकी टांग खींचने वाला, लेग पुलिंग करने वाला, लेकिन हर चीज को, लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी मीनिंगफुल लाइनें भी आपको सुनने का मिलेंगी जो शायद आपके दिल पे भी तो मीनिंग भी दे और जो है लबों पे मनोरंजन दे, बस यही कोशिश करता रहता हूँ। डायलॉग सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है और अभी क्या डायलॉग आपने मैच ऑफ लाइफ का सुना है कि बस तो माफी तो नहीं, माफी मिली कि नहीं मिली, माफी नामा बाहर आ गया।